यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आरडीएस गेमिंग स्टूडियो इंडियन। सो गाइस, आज आ चुके अपने इंडियन हैवी ड्राइवर का न्यू अपडेट। दोपहर को ही आया था, तो वीडियो डालने में मैं लेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए रियली सॉरी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें नई आई है वो मैं आप सभी को बता दूँ। तो सबसे पहली चीज़ आई है इसमें जंप इफेक्ट। तो हमारा प्लेयर अभी जंप करके अभी ये घुसे जैसा ये स्टाइल बनाएगा, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा ओपी है। तो अभी बात करते हैं इसमें कौन सी कार ऐड हुई है न्यू। तो मैं बता दूं, इसमें अभी न्यू एक दूल्हे की कार ऐड हुई है, तो उसका चिट कोड 1112। तो आप लोग एंटर करोगे, डायल करोगे, आप लोग के सामने एक सजी हुई दूल्हे की गाड़ी आ जाएगी। तो इसको अभी चलाकर भी देखते हैं हम लोग कैसे चलती है। और हाँ, एक बात, वीडियो के लास्ट में मैंने एक स्टोरी लाइन चीज़ बना कर रखी है, ज़रूर से उसको देख कर जाना, बहुत ही मज़ा आएगा आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर ये ऊपर ये गन वाला साइन क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। नीचे तो नहीं था, अभी उतर कर देखता हूँ। नहीं यार, कुछ भी नहीं है। तो अभी वापस से आ गए, ये क्या चीज़ है भाई। तो चलो छोड़ो इसको, अभी चला कर देखते हैं गाड़ी को। गाड़ी अगर चलने में अच्छी होगी तो भैंस की टांग गन की ऐसी की तैसी, छोड़ो ये सब कुछ। तो अभी इस गन को इस बंदे के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। नहीं, इसमें से कोई भी बुलेट भी नहीं निकल रही। तो अभी मैं आप सही लोगों को इसके इंजन का भी साउंड सुना देता हूँ। तो इसका इंजन का भी साउंड मतलब नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा ओपी ड्रिफ्ट भी मारती है ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद है दूल्हे की गाड़ी। तो आप सभी लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। आप लोग मुझे इससे अच्छा कि आप लोग मुझे रेटिंग दे दो कमेंट्स में जाकर। तो आप लोग अभी स्टोरी लाइन को भी देखकर जाना। तो आई होप आपको आज के वाली वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और स्टोरी लाइन अभी एक ही सेकेंड के अंदर आ रही है, तो देख कर जाओ स्टोरी लाइन को ज़रूर। अरे मैं आ रहा हूँ, ये गाड़ी वाला बहुत ही धीरे चलाया। अरे ड्राइवर कुछ ज़्यादा स्पीड में चला यार, वहाँ पर शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। अरे भाई कितनी तेज चलाओ, गाड़ी अनकंट्रोल हो रही हो भाई, कुछ भी नहीं हो रहा, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही यार।